तो गाइस आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक iMac को कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो और उसमें कैसे एक SSD लगा सकते हो। तो ये है हमारे पास में 2017 का एक iMac, इसमें आज हम SSD अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा देखने के लिए कि कैसे इसमें SSD अपग्रेड होती है। मैं भी आप क्या कर रहे हो इसमें? इसको भी ओपन कर रहे हैं। इसमें इस तरफ यहाँ पे एक टेप होती है, उसको अपन इसके थ्रू हटा रहे हैं धीरे धीरे ताकि अपन स्क्रीन को यहाँ से हटा पाए, आगे कर पाए, क्योंकि स्क्रीन के पीछे ही है जो भी है। ये काम हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही करवाना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी प्रोफेशनल से ही करवाना है, अदरवाइज ये डिस्प्ले खत्म। तो इस तरीके से सारी टेप हट चुकी है, इसके बाद में डिस्प्ले को अपन को हटाना पड़ेगा यहाँ से टिल्ट करके, और इसको नीचे की तरफ आप दिखाने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे जो केबल है ना वो अनप्लग करेंगे और उसके बाद में डिस्प्ले को हटा के साइड में रख देंगे। अब इसका केबल अपन हटाएंगे यहाँ से। अगर आप भी ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो तो 2-3 बंदे बुला लेना एक बार, बस हवा निकल गई। इसका केबल बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है तो अपन को बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ेगा इसको। नीचे की तरफ भी टेप लग रही है तो धीरे धीरे डिस्प्ले को नीचे करते हुए इसको हटाएंगे यहाँ से। मैक में जो हार्ड ड्राइव लगी है उसको बोलते हैं फ्यूजन ड्राइव, और ये है इसकी फ्यूजन ड्राइव जो बनाती है सीगेट कंपनी। जैसा आप देख सकते हो कि आपकी जो पीसी में हार्ड ड्राइव लगती है वही हार्ड ड्राइव इसमें लगी हुई है, बस थोड़ी सी इसकी क्वालिटी बेटर है। इसको निकाल के अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं सैमसंग की साटा SSD। अब स्क्रीन को हटाने के लिए नीचे की टेप काटनी पड़ेगी, तो आप देख सकते हो कि इतना इजी जॉब नहीं है ये। और ये देखो नॉर्मली अपनी स्क्रीन हट चुकी है। ये है iMac की स्क्रीन, पीछे से कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ से तो सबने देखी होगी लेकिन यहाँ से नहीं देखी होगी कैसी दिखती है। ये है iMac का स्पीकर, अपन को iMac का स्पीकर खोलना पड़ेगा। ये खोलने के लिए पहले ये 2 स्क्रू खोलने हैं और इसको थोड़ा साइड में कर लेंगे हार्ड ड्राइव को एक्सेस करने के लिए। अब ये 2 स्क्रू खोलेंगे, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, फिर अपन ये सैमसंग की SSD लगा देंगे इसे। और इसमें यही वाली SSD लगाना, ये सैमसंग की SSD लगा रहे हैं कि क्वालिटी सबसे बेस्ट आती है इसकी, और 2TB ऑप्शन लिया है क्योंकि बार बार इसको खोल नहीं सकते हैं, आपको पता ही है इस बात का। अभी तो अपनी स्क्रीन सेफली निकल गई, कई बार काम भी हो जाता है, समझ रहे हो। हार्ड ड्राइव बाहर निकल चुकी है, अब हार्ड ड्राइव के स्क्रूज और हार्ड ड्राइव से अपन कोई लेना देना नहीं है, इसको अपन साइड में रख देंगे। इस SSD को इसमें लगाएंगे वापस, और इसकी जो साइड में ब्रैकेट निकला था ये वाला, इसमें वापस टाइट हो जाएगा, ये SSD यहाँ पे लग जाएगी, और इसको एक स्क्रू करके यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे लगा देंगे। तो एक स्क्रू पे कहीं नहीं जाने वाली SSD, बहुत ही वैसे भी लाइट वेट होती है। ये है वो स्क्रू, इस टाइप का एक स्क्रू चाहिए होगा आपको इसमें लगाने के लिए। अब ये स्क्रू जो है वो इसके अंदर से जाएगा, ऐसे लग जाएगा, और ये SSD यहाँ पे टाइट हो जाएगी। इसके अलावा और कोई स्क्रू लगता नहीं है इसके अंदर, ये स्क्रू हमने इसमें लगा दिया है। और आप अगर इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देना चाहते हो ना, तो इसको फिर मैं ये बोलता हूँ कि स्क्रू न लगा के आप इसको डबल साइड टेप से भी चिपका सकते हो, या फिर इसके अलग से स्पंज टाइप भी आता है तो वो भी लगा के आप इसको यहाँ पे रोक सकते हो। अब नीचे हमने एक रबर का पैड लगा दिया है, उसके ऊपर लगा रहे हैं डबल साइड टेप। तो फाइनली डबल साइड टेप और पीछे नीचे लगे हुए पैड से चिपक चुकी है, और ये वाला स्क्रू लगाते हैं, टाइट करते हैं, फिर यहाँ पे टेप लगाएंगे और इसको पैक कर देंगे। अब ये जो टेप लग रही है ना इसके ऊपर पहले वाली, ये अपन को हटानी पड़ेगी, स्क्रीन को इस पर लगाएंगे, पहले टेप नहीं लगाएंगे, स्क्रीन लगा के पहले इसको टेस्ट कर लेंगे, इसमें मैकोस डाल लेंगे, उसके बाद में फाइनल टेप लगाने के बाद फिर इसको पैक करेंगे, वरना पूरा पैक कर लिया और फिर ऑन ही ना हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको पहले इस पर लगा के चेक करते हैं। अब जैसे हमने इस पे से टेप हटाई है, उसी तरीके से इस पे भी जो लगी हुई टेप है वो भी हटानी पड़ेगी। ये हटा देता हूँ मैं धीरे धीरे करके, स्क्रीन उठाते हैं, इस पे लगाते हैं, उसके बाद में मैक डालेंगे, इसको टेस्ट करेंगे और फिर स्क्रीन को परमानेंटली इस पे चिपका देंगे। स्क्रीन के दोनों कनेक्टर लग चुके हैं, अब जो नॉर्मल टेप आती है चाहे ये वाली लगाओ चाहे सेलो टेप लगाओ, कोई सी भी टेप लगा लो इसको होल्ड करने के लिए, फिर इसमें मैक डाल के चेक करेंगे। इसको ऑन कर रहे हैं अपन, ऑन करते हुए ही ऑप्शंस का बटन होता है, ऑप्शन का बटन अपन को दबाना पड़ेगा। ऑलरेडी अपन ने इसमें बूटर पेन ड्राइव लगा दी है, उसका अपन को ऑप्शन मिल चुका है यहाँ पे इंस्टॉल मैकOS करके, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन पेन ड्राइव को चूज करेंगे। ये करने के बाद में ये लोड होता है, लोड होने के बाद में आपको यहाँ पे कई ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें जो अपन ने SSD लगाई है उसको अपन को फॉर्मेट करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फॉर्मेट करेंगे और उसका एक फॉर्मेट है उसी के अंदर फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसके बाद में इसमें मैकOS इंस्टॉल होगा। तो ऑन होने के बाद में यहाँ पे स्क्रीन आएगी आपके सामने, अभी अपन चूज करेंगे डिस्क यूटिलिटी वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे ना अपन को ये ऑप्शन मिलता है, इस वाले पे क्लिक करना है और शो ऑल डिवाइसेस करना है। ये करेंगे तो ये सैमसंग की अपनी SSD यहाँ पे दिखा रही है, सैमसंग SSD जो अपन ने लगाई थी 2TB वाली, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद में आप जो नाम यहाँ पे देना चाहो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ SSD, और इसमें फॉर्मेट रहेगा APFS GUID पार्टीशन मैप इरेज।
अब ये हमने फॉर्मेट कर दिया, अब इसमें ऑलरेडी एक SSD है पहले से ही, अब इस वाले को भी अपन को फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये एप्पल की है, इसमें एक SSD लगी हुई है पीछे की तरफ जो इसमें कैशिंग का काम करती है, उसमें भी ऑलरेडी कैश बनी हुई होगी, तो इसको अपन फॉर्मेट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एप्पल। दोनों अपनी फॉर्मेट हो चुकी है, इसका नाम अपन ने एप्पल डाला था और इसका नाम अपने SSD दिया था, दोनों फॉर्मेट हो चुकी है। इसको बंद करेंगे, इंस्टॉल macOS पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे इसको एग्री करना है, एग्री इसको भी एग्री करना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है एप्पल की 121 GB की SSD है और एक अपन ने अभी सैमसंग की SSD लगाई है, उसका नाम अपन ने SSD दिया था, इसको सिलेक्ट करना है और इसमें अपन अपना मैक इंस्टॉल करेंगे। अब ये इंस्टॉल होने में कम से कम भी 20 से 22 मिनट लगेगा। अब जैसे ही ये कम्प्लीट हो जाएगा, इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। A few moments later, तो हमने इसमें SSD लगा ली थी, उसके बाद में इसको ऑन किया, मैक वर्क नहीं किया। उसका रीजन है कि इसके अंदर से पहले से एक NVMe लगी हुई है, ये अपना मैक है, इसको वापस खोला हमने और ये इसका है मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में जैसे ही मदरबोर्ड इसी तरीके से लगा हुआ था और इसके नीचे की तरफ यहाँ की तरफ इसकी SSD लगी हुई है, ये है इसकी SSD, ये यहाँ पे लगी हुई थी। अब हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो हमने इसको हटाया है अभी, और इसको हटाने के बाद में अब इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या इशू आता है, देखते हैं। और अगर आपको इसमें NVMe लगानी हो तो आप SATA SSD न लगा के इसमें डायरेक्टली NVMe भी लगा सकते हो, वो ऑप्शन भी इसमें है, इस वाले मॉडल में ऑप्शन है। तो इसका कनेक्टर आता है, वो लगने के बाद में अपनी नॉर्मल SSD भी उसमें लग जाती है कनेक्टर के थ्रू, और फिर अपनी नॉर्मल SSD भी आप यहाँ पे लगा सकते हो NVMe, उसमें आपको स्पीड थोड़ी फास्ट मिलेगी। तो अब हम ये हटा के इसको लगाएंगे, फिर चलाएंगे, फिर चेक करेंगे इसमें क्या इशू है, फिर आपको आगे अपडेट करते हैं। और गाइस फाइनली हमने iMac को रेडी कर लिया है, और उसमें जो दिक्कत है वो है उसके रैम की, ना ही उसमें SATA SSD की थी, ना ही NVMe की थी, उसमें उसके रैम की दिक्कत थी। तो उसमें हमें डायग्नोस करने में काफी टाइम लगा, उसके बाद में हमने उसमें एक नई रैम डाली और नया macOS डाला, उसके बाद में हमारा iMac एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। आई होप इस वीडियो को देख के आपको समझ आ गया होगा कि iMac में कैसे SSD को अपग्रेड किया जाता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बोलूंगा कि ये काम किसी प्रोफेशनल से ही करवाना। और अगर खुद SSD अपग्रेड करने जाओगे और गलती से भी स्क्रीन डैमेज हो गई तो सीधा 50,000 का फटका लगेगा, और हो सकता है आपका मैक उतने का हो भी नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैक अपग्रेड कर रहे हो तो खुद का और अपने मैक का दोनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है? जब तक के लिए बाय बाय। आहा, बहुत चंगा ना मैं।